दोस्तों कल रिलीज हुआ जानवी कपूर और ईशान कट्टर की नई मूवी धड़क का ट्रेलर। इस ट्रेलर को आम से लेकर खास लोगों ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया। जहां आम लोग कह रहे हैं कि जानवी कपूर बॉलीवुड में लंबी पारी खेलने आई है, वहीं उनमें श्रीदेवी की झलक देखने को मिल रही है। तो वहीं बॉलीवुड के खास लोग कह रहे हैं इंडस्ट्री के कलाकारों को जानवी और ईशान के लिए रास्ता खाली कर देना चाहिए। और इस रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड सेलेब्स के रिएक्शन बताने जा रहे हैं। बॉलीवुड के नए स्टार्स आ चुके हैं। ट्रेलर में जानवी और ईशान को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये दोनों कलाकार हैं। मैं इनकी पहली फिल्म देखने के लिए बेसब्र हूँ, ये खुद अनिल कपूर ने कहा है। अनिल कपूर भी उस लाइव इवेंट में मौजूद थे जब इसका ट्रेलर रिलीज किया जा रहा था। वही आलिया भट्ट ने कहा कि इन दोनों जबरदस्त कलाकारों के लिए रास्ता बना दीजिए। जानवी और ईशान धड़क के ट्रेलर में एक जादू की तरह दिखाई दे रहे हैं। मेरे दोस्त शशांक, तुमने कमाल का काम किया, मैं फिल्म देखने के लिए बहुत बहुत उत्सुक हूँ। वहीं वरुण धवन ने कहा, यह देखिए फिल्म धड़क का ट्रेलर, यह फिल्म कमाल की होने वाली है। जानवी और ईशान ने कमाल का काम किया, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। शशांक, हम तुम्हारी सबसे बेहतरीन फिल्म देखने वाले हैं। करण जौहर पूरे दिल के साथ अपनी फिल्म बनाते हैं और धड़क के ट्रेलर को देख कर यह साफ कहा जा सकता है। वहीं नेहा धूपिया ने कहा कि फिल्म का ट्रेलर देख कर यह कहा जा सकता है कि इसमें वो सब कुछ है जिसके लिए आप थिएटर की ओर भागेंगे। मेरी तरफ से धड़क की पूरी टीम को शुभकामनाएं। वहीं अगर बात करें श्रद्धा कपूर की, तो श्रद्धा कपूर ने भी कहा कि धड़क का ट्रेलर बहुत अच्छा है, इसके अंदर जानवी और ईशान को देखकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी हूँ। धर्मा मूवीज, तुमने इस बार वापस से कमाल कर दिया है, पूरी टीम को ऑल द बेस्ट। वहीं तरण आदर्श, तरण वाही और सोनम आहूजा ने भी खूब सारी बधाइयाँ दी हैं धड़क की पूरी स्टार कास्ट को। अगर आपने धड़क के ट्रेलर को देख लिया तो आप अभी हमें कमेंट करके बताएं कि आपको धड़क का ट्रेलर कैसा लगा। और सब्सक्राइब करें, देखो सब्सक्राइब करें द बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड खबरों से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।